का चलिए आगे बढ़ेंगे। और अशोक गहलोत को लेकर बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, स्लीप डिस्क संबंधी परेशानी हुई है गहलोत को, पंजाब दौरे के कार्यक्रम को भी रद्द कर जयपुर आना पड़ा है गहलोत को। डॉक्टर्स की सलाह पर गहलोत ने चुनाव प्रचार के कार्यक्रम रद्द किए हैं। कल शाम को जयपुर से चंडीगढ़ पहुंचे थे अशोक गहलोत, विजेंद्र सिंगला के समर्थन में आज करना था चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार। चलिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी बताइएगा, आखिरकार क्या परेशान नहीं हुई है अशोक गहलोत को और अभी उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, अशोक गहलोत पंजाब दौरे पे गए थे, कल चंडीगढ़ में उनको वो पहुंच गए थे और आज उनको एक जनसभा करनी थी और एक वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन अचानक उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई जिसके कारण से न वो प्रेस वार्ता कर पाए और न ही चुनावी सभा। वहाँ जब डॉक्टर से उनको चेक किया तो उन्होंने सलाह दी कि तुरंत उनको आराम करना चाहिए, तो अशोक गहलोत ने अपना जो तेज दौरा है पंजाब का वो रद्द कर दिया और अभी विशेष विमान से वो जयपुर पहुंचे हैं और उनको जो है वो अभी वो अपने आवास पहुंच रहे हैं जहाँ पे कुछ डॉक्टर्स है उनकी जाँच करेंगे और जरूरत पड़ी तो उनकी जो अस्पताल ले जाके भी जांच कराई जाएगी। लेकिन स्लिप डिस्क की में संबंधित दिक्कत होने के कारण क्योंकि डॉक्टर साहब वो ज्यादा चलने के लिए या खड़े रहने के लिए मना करते हैं और जब चुनावी सभा होती है तो आपको पता है कि वहाँ पे मंच पे भी जाना पड़ता है और जो खड़ा रह के भाषण भी देना होता है और कार्यकर्ताओं से घिरे रहते हैं तो फिर ये समस्या ज्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में अशोक गहलोत ने फिर डॉक्टर्स की सलाह के आधार पे अपना जो पंजाब का जो दौरा था उसको रद्द कर दिया और अभी कुछ देर पहले वो जयपुर पहुंचे और जयपुर एयरपोर्ट से वो अपने आवास जा रहे हैं जहां यहां भी डॉक्टर्स है वो उनकी जांच करेंगे। इस बीच अशोक गहलोत ने पंजाब के लोगों से अपील की है कि वो चूंकि उनको स्वास्थ्य कारणों से लौटना पड़ रहा है लेकिन वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में मतदान करें। देखिए, इससे पहले भी जो है अशोक गहलोत को स्वास्थ्य संबंधी अलग अलग समय पर समस्या रही है लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो पार्टी के लिए प्रचार किया, काफी दौरे किए और अभी भी उन्होंने अमेठी को की जो इनके पास जिम्मेदारी थी उसमें उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, लगातार वहाँ कैंपेन किया था एक सप्ताह से अधिक समय तक। उसके बाद वो अमेठी से जयपुर लौटे थे और अब उनको पार्टी ने पंजाब भेजा था तो कल शाम को ही वो जयपुर से चंडीगढ़ पहुंचे थे लेकिन आज सुबह जो है उनपे समस्या हुई स्लिप डिस्क से संबंधित और जब पीठ में दर्द की समस्या हुई तो उसके बाद डॉक्टर्स को चेक कराया था, वहाँ पे चेक के बाद डॉक्टर्स ने उनको आराम करने की सलाह दी है तो लगता है कि अगले कुछ 2-3 दिन तक उनको आराम करना होगा और उसके बाद डॉक्टर्स की सलाह के आधार पे ही वो आगे का कार्यक्रम मनाएंगे क्योंकि पंजाब का जो चुनाव है वो आखिरी दौर में है। ऐसे में पार्टी चाहती थी कि 1-2 दिन वो वहाँ पे प्रचार करे और इसके लिए वो प्रचार करने के लिए गए भी थे, अब चूंकि इसके साथ ही जो है और चुनाव प्रचार भी अगले दिन खत्म हो जाएगा फिर आखिरी चरण के मतदान होंगे तो ऐसे में अब अशोक गहलोत जयपुर लौट आए हैं तो अब समझते आप पंजाब फिर से प्रचार करने के लिए नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल नरेश जी, और कई बीमारियों को हरा चुके हैं अशोक गहलोत और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही अब ठीक हो जाएं और स्वस्थ हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका नरेश जी साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।